हमीरपुर के प्रताप नगर में बुधवार की शाम चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। बुजुर्ग दंपति प्रताप नगर में शाम के वक्त सैर कर रहे थे, इसी दौरान हेलमेट पहने एक बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन को झपटने का प्रयास किया। चैन स्नैचिंग की इस वारदात में चैन टूट गई और जल्दबाजी में बाइक सवार युवक भी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस घटना के चलते बुजुर्ग महिला के गले पर भी हल्की चोट लगी है। हमीरपुर सदर पुलिस थाना को घटना के बारे में सूचित किया गया है। महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ सैर करने के लिए निकली थी। इस दौरान एक बाइक सवार युवक ने उनसे किसी व्यक्ति का नाम पूछकर पता पूछा। जब महिला इनकार करते हुए आगे बढ़ी तो एक बार फिर युवक ने पता पूछने के बहाने महिला के गले पर झपटा मारा और चैन को स्नैच करने का प्रयास किया। उन्होंने शोर मचाया तो युवक घबराकर भाग गया। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने कहा कि उन्हें वारदात की सूचना मिल गई है, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वही एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा का कहना है कि सदर थाना हमीरपुर टीम को इस मामले की छानबीन में निर्देश दिए गए हैं। एक बाइक वाला आया, उसने पहले उसने मेरे को किसी का ना एड्रेस पूछा कि इसके पंडित का घर कौन है, प्रभु प्रभु का घर कहाँ है। मैंने कहा आपको मकान मालिक का पता होना चाहिए और हाउस नंबर होना चाहिए, हमारे को नहीं पता, हम चले आए उसके बाद। फिर उसने दोबारा से वो पूछा, फिर भी बताओ तो सही पंडित का घर का, मैंने मेरे को नहीं पता जी। अब उसके बाद आया, थोड़े आगे मोड़ पे आया और उसने जोर से चैन को हाथ मारा। मैंने सोचा ले गया, फिर मैं जोर जोर से चिल्लाई ना, भाग गया। फिर बाइक का नंबर मेरे को उस वक्त अपनी चैन की पड़ी थी, बाइक किसने देखनी थी। न्यूज डेस्क एनवल लाइफ।